आज कौन आएगा? गाइस बेटू बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये कितने बज रहा है? 3 बज रहा है। मैंने ये सूट का वीडियो बनाना था क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और बहुत दिन से ये सूट आया था। मैंने बनवाया लेकिन आपको पता है मैंने दिया लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। फिर मैंने बोला कि चलो क्या दें, क्योंकि 2 बार भेज चुके थे, तीसरी बार मेरा भेजने का मन नहीं था। तो यहाँ पर देखो मैं दाल ना दाल छौका हुआ नहीं खा रही हूँ काफ़ी दिन से। और ये एक रोटी है जो कि सब्जी मैंने रात में बनाया था तोरी की। बाबू को मैंने दाल वगैरह खिला दिया है। ये देखो ये रह नहीं रहे तो इसलिए इनको गोद में ले लेकर के ही काम करना पड़ रहा है। मेरा गंजू बबो, मेरा गंजू बबो, मेरा गोचो, मेरा सोना, मेरा सोना। ये कैसे उठाए? उठा कैसे उठा पहले? अरे उठते ही ऊपर चढ़ने लगा मेरे। हाँ ये ऐसे ही करता है, ये ऐसे ही करता है। इसको बुखार का दवा पिलाते हैं, जुखाम का दवा पिलाते हैं, खांसी का दवा पिलाते हैं। गुन्नुआ गुन्नुआ ए गुन्नुआ गुन्नुआ। अभी इसका नोजी कम बह रहा क्योंकि मैंने उसको दवा डाला ना नाक में, इसकी वजह से भी तो ना बहुत ज्यादा ये परेशान हो गया था। बेटा मम्मा कुछ खा ले। हाँ बेटा, बेटा जीने नहीं दे रहा है माँ को। बहुत गर्म था भाई, बहुत ज्यादा गर्म था, लग गई हाथ में। देखो गाइस ये मेरा खाना है। ये क्या है? तोरी। चलो 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 चलते हैं दाल में ज्यादा। हाथ ना मार दे, इसलिए मैंने दूध रखा है ना। दाल में ज्यादा पीती हूँ, सब्जी में ज्यादा खाती हूँ, रोटी में आधी रोटी खाती हूँ, खाना खा लेती हूँ। गाइस बेबी का मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था तो अभी को मैंने इसको दवा पिलाया और एक दवा ख़त्म था तो मैंने ये दवा मेन है मोनोसेफ ड्रॉप है। ये एंटीबायोटिक है, बिना एंटीबायोटिक का ये सही नहीं होता है। इसको थोड़ा सा सर्दी बहुत खतरनाक पड़ गई, हो गई है बहुत ज़्यादा। इसका नाक निकल रहा था नोजी, ये डाले हैं 2-3 बार जाके तब आराम हुआ है। ये तो एकदम एकदम परेशान हो गया था। मम्मा सब दवा रखी बेटा, मम्मा को पता है क्या तबीयत खराब हो जाती है इसलिए सब दवा ला के रखी है। तो इनका हम डायपर चेंज कर ले तो भर तो नहीं गया है एकदम। इनको ऐसे खिला रहे थे ना और मुझे थोड़ी सी बदबू दिया, हम से क्या बदबू दिया है। फिर देखिए पूरा पुट्टी करके फैलाए हुए थे। फिर इनका मैंने कपड़ा चेंज कर दिया, इनका मैंने कपड़ा चेंज कर दिया। बूम बूम दाती काट रहा है ना। दांत आ गए ना, फिर उंगली जो भी जाए करेगा काट ले करेगा, अभी तो दबाता है। ए दांत नहीं काटना है, अगर बैड मैनर्स सिखाते हैं किसी के मुंह से सुन लिए कि आपने किसी को दांत काटा तब तो आपकी खैर नहीं, समझ लेना। किसी को भी दांत नहीं काटना है। क्या बोली? दांत किसी को भी नहीं लगाना है, समझ में आया? कुछ बोल रहे पहले कुछ सुनो मेरी बात। क्या बोली मैं? क्या हम इसे गिरा देंगे? हम तो जानते नहीं हो। करेगा करेगा दांत, दांत कटेगा, पार्ट से मारूंगी। ये मैं नहीं देखूंगी छोटे से बच्चे हो कि बड़े से बच्चे हो।
जहाँ गलत काम किए तहाँ पट पट मारूंगी, समझ लेना। चलो चलो थोड़ा तुम्हारा सैर करा दे। नोटी नोटी यहाँ पहले मैंने अभी आई हूँ, पूरा बर्तन तो साफ किए हैं, फिर पानी बॉयल कर दिए, पानी बॉयल हो रहा है। कल हम लोग यहीं पे सोए थे, अभी कपड़ा धुल करके सारा डाल दिया। छोड़ बेटा, और कल जो मैंने कपड़ा डाला था सारा तय लगा दिया। स्विमिंग पूल कोई नहा नहीं रहा है, जाओ आप नहा लो। इतनी गर्मी लगती है ना इसलिए बारंदे गर्म निकलने का मन नहीं करता है कि नहीं, गर्मी जो इतनी रहती है। पता नहीं सुनने में आया है कि अक्टूबर से स्विमिंग पूल बंद हो जाएगा नहाने के लिए, अभी कोई नहीं नहा रहा है। स्पेस पे सो, चलो नॉटी। आज की भी गर्मी बहुत खतरनाक है। नॉटी 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 ए नॉटी, नॉटी बॉय देख, अगर गिरा बाबू, अगर गिरा बाबू, अगर गिरा बाबू, अगर गिरा बाबू, कैसे हंसता है। अगर बिस्तर गंदा किया, अगर बाबू बिस्तर गंदा किया, देखो इसको, देखो इसको नोटी। ओए शरारती लड़का, नोटी बॉय गुन गुन गुन्नु भैया। गाइस पूरा दिन तो इसी में मेरा निकल जा रहा है, मैं क्या ब्लॉग बनाऊं इनको ही दिखाने में, इनको ही देख रहे वहां पहुंच गया। इसको खिलौने से प्यार नहीं है, इसको आलतू फालतू से प्यार है। पैर पकड़ी हूँ, अगर पैर नहीं पकड़ूंगी डैड नीचे गिर जाएगा। आजा 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 आजा, आजा। बाबा ये देखो कीड़ा मेरे ऊपर, ऐ मुंह में नहीं, मुंह में पटाख से मारेंगे जहां मुंह में उंगली डाला। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर सकते हैं, किट्टो जी आप के बच्चों को इतना डांट रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, छोटे से ही भी बच्चों को अगर आप डांट कर भटकार कर समझा के रखेंगी तो फिर अभी से ये करता जाएगा, करता जाएगा, इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो इसकी आदत हो जाएगी। इसने पहले क्या किया था, जब
फोर मंथ का था, ये फोर मंथ में ही हम ऐसे मुंह में हमेशा उंगली डाला रहता था और अपना जीव ऐसे ऐसे करता था। मैंने कितनी बार मतलब कि दिन भर मैं इसको टोकती थी, दिन भर दिन मतलब जब तक ये जागता था, अगर ये करता था तो इसको मैं मना करती थी, देखो अब नहीं करता है। अगर उस वो कंटिन्यू करता था मुझे बहुत गुस्सा आता था इसके ऊपर, मैं ये कहाँ से सीख लिया ये, इसको जब ये करता था ना फिर ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे मुंह मारते थे, इसने आदत छोड़ दिया। उंगली दिन भर ऐसे मुंह में कहीं भी घुमा कर ऐसे ऐसे, इस पर भी मैंने रोक लगाया लेकिन ये अब ये करना छोड़ दिया। अब ये क्या करता है, अब ये सीखा है क्या कि अभी क्या सीखा है ये, हाँ लोगों को ऐसे ऐसे मतलब किसी की भी उंगली दिखे मुंह में डालना, हाँ किसी का भी उंगली होता है अपने मुंह में डाल लेता है। अभी इसके लिए मना करेंगे, इसको फाट फाट मारेंगे, चाट चाट ना, मतलब इतना तेज नहीं मारेंगे, मतलब प्यार से ही समझाएंगे, आप कभी मत सोचना, बस गलत हरकत करे तो डांट दो सही रहता। और इसके नेल इतना जल्दी बढ़ता है, इतना जल्दी इसका नेल बढ़ता है कि मैं क्या बताऊं, कैसे नेल बढ़ जाता है बेटा, बेटा नेल कैसे बढ़ता है आपका, फुदूक से फुदूक से फुदूक से। ये कपड़ा जो ये पहने ये जब ढाई की थ्री मंथ के थे, हम लोग गए थे अप्रैल लास्ट में, ये हुए थे फरवरी में, फरवरी मार्च अप्रैल भाई तीन साढ़े तीन महीने के थे, तीसरा लगा था तब हम गए थे गांव, तब ये कपड़ा ये खरीदे थे, देख रहे हो थ्री मंथ का था तब लगा था इसका तीसरा मंथ, देखो फरवरी से मार्च एक महीना, मार्च से अप्रैल दो महीना, मार्च से वही ढाई महीने का था तब लेकर गई थी मैं गाँव इसको ना? अच्छा रात में जानते हैं ये ऐसे ही सोता है मेरे पास, इस पे सोएगा या फिर मेरे ऊपर सोता है, इसको नींद नहीं आती, जैसे इसको कहाँ जा रहा है बेटू। चलो गाइस ब्लॉग में बने रहो, इसका तो शरारती चलता रहेगा। फाइनली गाइज अभी वंदा दी का फ़ोन आया था और पति देव का भी कॉल आया था, ये यहाँ यहाँ मुझे क्या ऐसे काटा है, इसने नाखून मारे होंगे, दोनों साइड अजीब सा लग रहा है, पकड़ा था ना वहाँ पे, यहाँ पे ऐसे वो शैतान है ना। तो वंदा दी को लेने गए हैं पति देव और वो आएंगी कि बहुत ज़रूरी कोई काम है, हो सके तो एक दो दिन रुकेंगे भी, पता नहीं, देखिए उनका मन परसेंटमेंट को जाना पड़ा, ऑफिस से चले गए उनको लेने के लिए और ना टाइम पे यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए और रक्षाबंधन की भी शॉपिंग होनी चाहिए, देख रहे कितना ज़्यादा ये परेशान कर रहा है। अच्छा कमेंट आ रहा था कि आप लोग हर बार बार बोलते बच्चा परेशान करता है ना, क्या करे जब परेशान करता है तो परेशानी बोलेंगे ना, प्यार से बोलते हैं वैसे थोड़ी ना, उससे प्यार परेशान करना है, परेशान तो हर बच्चा करता है, परेशान तो हर बच्चा करता है, सही बात है, लेकिन ये सभी इतने नहीं है, तो कुछ एक, नहीं है, ये एक मिनट के लिए बैठा रहता है, इसको देखो देखो कैसे बावला सा हो जाता है, हर चीज मुंह में चाहिए। आ रही है मासी ना, तब तुमको तुम्हारी खैर नहीं, मासी पिटाई लगाएगी। चलिए गाइस इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय। और जो मैंने शूट पहना था वो कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके okay.